सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? इस्लाम की अब आप सबको बरकत दे, उसकी दुआ में अली अता फरमाएं। आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और पीछे आप देख रहे होंगे हमारे भाई थोड़े से लेट हो गए हैं, और हमारे साथ हमजा भाई मौजूद हैं, दूसरे होंगे जो हर वीडियो में हमारे साथ होते हैं माशाल्लाह। और बाकी आप सब बताएँ, आप सब कैसे हैं? आप सब खैरियत से ठीक ठाक हैं? आप सब हमें भी दुआ में याद रखिए, ख़ासतौर पर जैसे कहा जुम्मा है, जुम्मे की नमाज़ आप जब पढ़ने जाएँ तो हमें हमें याद रखिए, क्योंकि कुछ परेशानियाँ, कुछ ट्रेजडीज़ कुछ ऐसी चल रही हैं जिसमें ख़ासतौर पे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेसिकली मैंने जो अभी तक ऑब्जर्व किया है कि लोग ये समझते हैं कि जितने भी यूट्यूबर हैं वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं वो अर्निंग के चक्कर में बना रहे हैं, ऐसा ही है। मगर उन बेवकूफ़ इंसानों को मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि हर चीज़ पैसा नहीं होती, ठीक है? पैसा कमाना हो तो हम जॉब कर रहे हैं भाई, हमें यहाँ से भी मिले, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात है कि हमारे पास और भी एक्सपीरियंस है, वहाँ से मैं मिल सकता हूँ, ठीक है? वीडियो यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ये है कि सिर्फ कि कुछ जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती ना बंदा कि इंसान जो है किसी दोस्त से डिस्कस नहीं कर सकता, जैसे शीशा है, ग्लासेस है, हम फेस टू फेस बैठ के फेस टू फेस एक दूसरे से शीशे में एक दूसरे से अपने आप से बात कर सकते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ें ऐसी होती हैं, खुदा से भी कर सकते हैं, खुदा से करते हैं वैसे भी, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम शीशे में खड़े होकर अपने आप से कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी और से नहीं कर सकते, वो अपने आप से समझ कर सकते हैं। फिर कुछ बड़ास होती है हम अपने आप से करते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है? तरीके का कुछ इस तरीके से होता है कि देखें, कामयाब होने के लिए ज़रूरी नहीं सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है, ठीक है? कामयाब होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, जो मैं भी कर रहा हूँ, ये हमारे साथ भाई वो भी कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है, तो नहीं हमारे बंदा कर रहा है। बेसिकली आपका सपोर्टर अच्छा होना चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने यही बोला था कि अगर आपका सपोर्टर अच्छा होगा, कोई भी आप जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, आपका सपोर्टर अच्छा होगा तो मे बी पॉसिबल, अगर एक काम आपने कभी लाइफ में नहीं किया हो उसका, अगर आपका सपोर्टर अच्छा होगा मे बी पॉसिबल आप वो काम कर दें, ठीक है? क्योंकि कोई भी चीज़ जो है ना, इंसान कहीं से पैदा होते सीख के नहीं आता, दुनिया में आता सीखता है, धोखा देना दुनिया में आकर सीखता है, ठीक है? बेवफाई करना दुनिया में आकर सीखता है, टाइम पास करना दुनिया में आकर सीखता है, ठीक है? पैसे कमाना दुनिया में आकर सीखता है, ठीक है? हर चीज़ दुनिया में आकर सीखोगे, वहाँ से सीख के नहीं आओगे भाई, ठीक है? तो कॉन्टेंट ऊपर से हाँ वो जैसे होते हैं ऊपर से आते हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादातर नोटिस ये किया है कि कभी कभार ऐसा होता है कि किसी इंसान को अगर आप फेवर करना चाह रहे हो, ठीक है, मे बी पॉसिबल सपोर्ट करना चाह रहे हो, जैसे कि एक मिसाल हम ले लेते हैं अपना किसी भी एक इंसान की, नॉर्मल बंदे की, ठीक है? कि सिंपल से एक मैं लाइन बोलूँगा, मेरी किसी को हर्ट करने की बात नहीं है, ठीक है? सिंपल से मैं अपनी जो है एक बात बोलना चाहूँगा। देखिए कुछ इस तरीके से होता है, मिसाल के तौर पे मेरा एक फ्रेंड था, नाम भी लूँगा मैं उसका, मेरे ख्याल से वो भी सब्सक्राइबर है मेरा, वो भी वीडियो देखेगा, तो सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बहुत अच्छा, उसको मैंने सपोर्ट किया। एक्चुअली बहरिया में जब मैं जॉब के लिए ढूँढ रहा था तो उसने मुझे कॉल की कि यार यहाँ पर आ जा, मैं यहाँ पर ऐसा दुनिया मैनेजर लग रहा हूँ, तो मेरे पास आ जा, मैं मेरी टीम के अंदर। तो मैंने सैलरी वगैरह पूछी उससे, तो पता ये सैलरी, मैंने बोला ठीक है। अच्छा मैं वहाँ पे गया तो अपना अल्लाह भला करे कि स्टार्टअप लिया था, अच्छा काम भी अच्छा किया था, अच्छा उसकी टीम में उस वक्त मैं था और अभी काफ़ी और लोग नहीं थे, मगर ये कि मेरे कॉन्टेक्ट में काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो जॉब सर्च कर रहे होते, तो मैंने उनको बुलाया तो हम सारे एक टीम के अंदर आ गए। अच्छा उस टीम के अंदर सबसे पहले सेल मैंने थी, ठीक है? तो बड़ी सेल ही थी ने, मगर ये कि उन लोगों ने थोड़ी सी वैल्यू कम लगाई तो जिसकी वजह से सेल बैक हो गई। क्योंकि देखिए एक चीज़ है ना, अब जैसे ये बुक है, अभी मिसाल के तौर पर मैंने बुक की मिसाल ले रही है, मोबाइल की मिसाल ले रही है, एक मोबाइल है मिसाल के तौर पर, मैंने एक टाइम पे वो 12,000 रुपये का ख़रीदा है, ठीक है? अब उसके रेट 15,000 हो गए, तो मैं पागल तो नहीं हूँ तो मैं उसको 12 में बेचूँगा, कम से कम 13,000 का तो बेचूँगा ना, ठीक है? इसी तरीके से वो ज़मीन की उन्होंने वैल्यू कम लगाई तो उसने फाइल उठा ली कि यार नहीं। जब उसके बाद वो दोस्त ने मुझे यूटिलाइज़ करने की कोशिश की, उसने उसको पता चल गया कि मेरे पास लिंक अच्छे हैं, मेरे पास क्लाइंट अच्छे हैं, मैं सेल्स अच्छी कर सकता हूँ, ठीक है? उसने कुछ चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, तो बरहाल ये कि उसने फ़ायदा तो उठाने की कोशिश की मगर उसमें नाकाम हो गया, क्योंकि हमने भी कच्ची गोलियाँ नहीं खोली, ठीक है?
हम भी लिंक अगर बनाए चीज़ें बनाई तो एक चीज़ को लेके किस तरीके से चले हम जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो बहरहाल ये कि वहाँ से मैंने लेफ्ट किया, वहाँ से लेफ्ट करने के बाद देखो मैंने तो कुछ नहीं उसको बोला, ठीक है, मगर ये कि कहते हैं इंसान कभी कभार ऐसा होता है कि अपने अल्फाजों से कुछ नहीं बोल सकता मगर उसके दिल के अंदर से आह जब निकलती है ना तो बड़े बड़े का बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है। तो मैंने वहाँ से लेफ्ट कर दिया, रिज़ाइन कर दिया, ये वो सैलरी मेरी बच गई वहाँ पर, अभी तक भी नहीं मिली भाई, काफ़ी बार पता किया अभी तक भी कोई पता आता पता नहीं चलना वहाँ का। तो ये है कि उसके बाद उसको जो मेरी शेयर मारने से उसको जो फ़ायदा हुआ था, उसको गाड़ी मिली थी, ये वो सब कुछ मिला था, मगर ये कि मेरे जाने के बाद जब मैंने किसी से पूछा, किसी ने कॉल की, ये वो यार हमने उसकी टीम छोड़ दी, ये वो, तो मुझे पता चला कि उससे गाड़ी वापस दे दी उस वजह से, क्योंकि उसकी सारी टीम मेरे छोड़ने के बाद सारी छोड़ कर चली गई, वो रह गया अकेला। अब टारगेट उसको जो दिया था टारगेट को कम्प्लीट नहीं कर पाया, तो उससे गाड़ी भी ले ली गई, उससे जो पोजीशन थी वो भी ले गई ले ली गई, और जो उसकी सैलरी बढ़ी थी वो भी नीचे आ गई, ठीक है। तो ये होता है, अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो भाई अगर मुँह से बोले ना बोले मगर उसके दिल से हाँ निकलेगी, मगर ये कि कोशिश करो, अगर बुरा नहीं कर सकते तो कम से कम अच्छा करो, ठीक है। अगर अगर आप किसी का थोड़ा सा फेवर कर दोगे, सपोर्ट कर दोगे, अरे यार जो तुमने सीखा वो किसी के पास ट्रांसफ़र कर दोगे तो बुरी बात थोड़ी है भाई। मेरा माइंड इस तरीके से है कि मैं जो सीखा ना मैं कोशिश करता हूँ अगले बंदे में ट्रांसफ़र करने की, ताकि यार वो भी अब जो अगर वो सेल्स करेगा सो कुछ भी अगर काम में अपने कामयाब हो जाएगा तो भाई उसका कमीशन मुझे थोड़ी मिलना है, ठीक है ना, उसकी सैलरी मुझे मिलनी है, मिलनी तो उसी को है, ठीक है। मगर ये अगर मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर दूँगा ना तो उससे ये हो जाएगा कि यार उस बंदे की जो दुआ से मेरे काम जो रुके हैं ना वो हो जाएंगे, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी, ठीक है। उससे आपको तो एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, एक किसी में शेयर करोगे तो फिर तौर पर आपको बढ़ेगा, बिल्कुल ऐसा ही। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कुछ ऐसी बातें थी जो डिस्कस करना चाह रहा था, ठीक है, तो वो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैं ये नहीं बोलूँगा भाई मैं बार बार ये अल्फाज बोलने वाला बंदा नहीं, मेरे चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो ये करो वो करो, भाई मैं अर्निंग के लिए नहीं कर रहा, बस एक शौक है, शौक के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, और बना के अपलोड करते रहेंगे, और आप लोग देखो ना देखो वो आपकी मर्ज़ी है भाई, ना किसी को बोल रहा मैं देखो भाई, ऐसा कोई सीन नहीं है, दिल करे लाइक करो, दिल करे सब्सक्राइब करो ना करो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ख़ासतौर पे हमारे यहाँ एक भाई भी मौजूद है, ख़ासतौर पे आपने उनके लिए भी दुआ करनी, उनकी भी एक प्रॉब्लम चल रही है, तो आप कोशिश करें उनको भी दुआ में याद रखें, ठीक है। हर इंसान को, हर वो इंसान को जिसको परेशान है, जिसको सपोर्ट चाहिए साथ चाहिए, तो उसको दो याद, ठीक है, सिर्फ इस चक्कर में नहीं कि तुम्हें अपना लालच हो, बिना लालच अगर किसी की थोड़ी सी हेल्प कर दोगे ना यार तो कसम से यकीन करो कि तुम इतने काम में आओगे तुम्हारी सोच भी, ठीक है। तो जैसे कि आज जुम्मा है तो वाइंड अप करते हैं वीडियो को यहीं पर, तो आप जुम्मे की नमाज़ करें और हमें भी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक एक बार फिर से आपको बहुत बरकतों से नवाजे, अपनी टाइम को बरकतों से घेर रखे, आपकी सारी मुश्किलें परेशानियों को हल फरमाए, आमीन, अल्लाह।